उस फिल्म के हीरो जब यहीं थे प्रमोद प्रेमी साहब, पहली बार यहीं इंटरव्यू हुआ था इसी ऑफिस में, नेहा श्री और रितेश जी ने उनका इंटरव्यू करवाया था, पहली बार वो सामने आए थे मीडिया के, और आज की डेट में बहुत बड़ा नाम है प्रमोद प्रेमी का। उम्मीद तो कर रहे हैं कि ये जो स्टारडम है वो आपके हिस्से में भी आए। बाकी आप लोग ये मीडिया की और पब्लिक की अगर जो है रहेगी रहेगा उनका साथ तो जरूर हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। आप गाना गाते हैं भाई साहब? नहीं, गाना हम नहीं गाते हैं। क्यों क्यों बोले तो कभी ट्राई नहीं किया है। भोजपुरी सिनेमा में यही कहा जाता है कि भाई जो सिंगर्स हैं वही एक्टर बनते हैं, आप सिंगर तो है नहीं? नहीं, सिंगर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे एक्टर हैं जो कि सिंगिंग नहीं करते हैं, वो भी एक्टर हैं। जैसे कि अभी यश मिश्रा जी हैं, चिंटू पांडे जी भी हैं। अभी तो कुछ गाने चिंटू पांडे जी के मैंने सुना है, लेकिन वैसे जैसे और सारे सिंगर हैं कंटिन्यू गाते हैं वैसा तो नहीं करते हैं, एल्बम वगैरह ऐसे नहीं करते हैं, तो वो भी तो एक्टर हैं। चिंटू पांडे जी की मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है और कमाल के एक्शन स्टार हैं। हम भी चाह रहे हैं कि मूवी करें चिंटू पांडे जी के साथ, एक्शन मूवी करने का हमारा भी प्लानिंग है। तो जब आप एक्टर बनने की सोच रहे थे, जब आपके मन में ख्याल आया था कि भाई आप एक्टर बनना चाहते हैं, तब चिंटू पांडे ही आपके जहन में वो चेहरा था जिनके जैसा एक्टर आप बनना चाहते थे, या कोई और आर्टिस्ट था भोजपुरी सिनेमा का जो आपको जिसको लगता था कि भाई उसके जैसा आपको बनना है? देखा जाए तो सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है, तो सब मुझे पसंद आते हैं। जैसे पवन जी हैं, पवन जी अच्छा, उनका गाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, और उसका उनका जब एंट्री होती है जबरदस्त होती है। वो एंट्री तो डायरेक्टर डिसाइड करता है सर, वो जैसे एंट्री करेगा वैसे आएगा, लेकिन एक्टर आएगा। लेकिन अपने ऊपर भी होता है ना भाई, हम किस हिसाब से अंदर जा रहे हैं या कैसे हमारा लुक रहेगा, कुछ तो अपने ऊपर भी रहता है। डायरेक्टर डिसाइड करता है, बात आपकी सही है। और सेकंड खेसारी जी की एक्टिंग बहुत जबरदस्त है, खेसारी जी भी पसंद है। एंड थर्ड आपने चिंटू पांडे जी, मुझे एक्शन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सर, पवन जी का जिक्र किया, उनका जो है आज ही हर हर गंगे का टीजर आया हुआ, क्या आपने देखा? नहीं देखा नहीं है, टाइम नहीं मिल पाया। एक्चुअली संडे था तो मैं सोया हुआ था, लेकिन मैं भी यूट्यूब पे देखा तो आया हुआ था। अभी देखेंगे, अभी यहाँ से पाएंगे तो टीजर जरूर देखेंगे। आनंद जी, अगला सवाल। आनंद जी, अगला सवाल। तो भाई साहब, और कोई फिल्म आप इसके बाद करने वाले हैं क्या? एक साल बाद जब आप अगली बार मुझे मिलेंगे, तब आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं त्रिपाठी? हम भी चाहेंगे कि जो है अच्छे मुकाम पे देखना चाहते हैं अपने आप। अच्छा, फिल्म करने से पहले कोई क्राइटेरिया आपने सेट किया कि भाई मेरे को इस तरह की फिल्म करनी है और इस तरह की फिल्म नहीं करनी है? नहीं, क्राइटेरिया नहीं, तो डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कौन सी पिक्चर करनी। लेकिन जैसे अभी डबल मीनिंग की हो गई, डबल मीनिंग के गाने हो गए, सब हमने नहीं, साफ सुथरी फिल्म बनाएंगे जो परिवार के साथ बैठ के देखा जा सके। आपने कहीं से एक्टिंग सीखी है? एक्टिंग का प्रशिक्षण आपने कहीं लिया है? नहीं, एक्टिंग प्रशिक्षण नहीं लिया है। अच्छा, अभी कुदरती देन है जो कि हम कर ले रहे हैं, और काफ़ी कुछ हमारे डायरेक्टर का हाथ रहता है इसमें। अच्छा, कोई सिनेमा की हिस्ट्री रही है परिवार में से कोई अभिनेता था या एक्टर था या फिल्मी दुनिया में था? हमारे परिवार में सभी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। अच्छा, तो जब आपने ये कहा होगा कि भाई अब मुझे जो है सिनेमा के अंदर जाना है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, हीरो बनना है, तो घर वालों ने किस तरह से इस पर रिएक्ट किया? रिएक्ट तो किया ना भाई, कहाँ हीरो बनोगे, हीरो नहीं बनना है आपको, जो है बिजनेस कर रहे हो वही ठीक है। लेकिन एक बार हमने कोशिश, जब पहली फिल्म जब बनी तो उन लोगों को दिखाया ट्रेलर वगैरह तो अच्छा लगा, तो अभी परमिशन मिल गई है घर से। अच्छा, भी कर सकते हैं अब घर वाले जो है, परिवार वाले अब संतुष्ट हैं आपके? हाँ, संतुष्ट हैं, भी खुश हैं। तो आप दोनों कैसे काम करेंगे, वो नमकीन वाला काम और फिर ये पिक्चर वाला काम, दोनों कैसे होगा? वो सब तो ऑटो मोड पे चलता है अभी। अच्छा, फुल टाइम हम इसी में। अच्छा, पूरी तरह से आप अभिनेता ही रहेंगे? ठीक है, मेरी तरफ से हो गया, आप लोगों को कुछ पूछना है? रितेश ठाकुर जी फिल्म डायरेक्टर, उनके ऊपर कितना भरोसा है? अरे 100% है यार, 200% होता तो वो भी है, बहुत कमाल के आदमी है। आप लोग तो जानते ही होंगे पहले, हम तो ज्यादा दिन नहीं, अभी 5-6 महीने से मिल रहे हैं उनसे, उनके साथ काम करने का मौका मिला, बहुत मजा आया। उन्हें स्टार मेकर कहा जाता है, ढेर सारे स्टारों को ब्रेक दिया जिन्होंने आज स्टार हैं। तो इसी चक्कर में हम भी साल भर घूम रहे थे उनके पीछे, मौका मिले तो लास्ट में मिला मौका। तो अभी अगर आप ऐसा बोल रहे हो, हमारे साथ भी वही होगा जो पिछले सब लोगों के साथ हुआ। ऐसा सवाल एक है मेरा आपसे कि नेहा श्री बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री के अंदर, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ उन्होंने फिल्में की हैं, कई फिल्में बनाई हैं और कई फिल्मों में, बढ़िया बढ़िया फिल्मों में बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। उनके साथ काम करते वक्त जरा याद करके बताइए त्रिपाठी जी, कभी आपको लगा कि आप किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं और आपके और उनके बीच शूट के दरमियान कभी उनका स्टारडम आ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा था कि
जो है एकदम बहुत अच्छे दोस्त जैसे हम लोग ने काम किया, बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि बड़े स्टार के साथ काम कर रहे हैं या कोई बड़ा प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। फिल्म जो है आपकी, आपके मेकर्स ने बताया कि कब आपकी पिक्चर आ रही है? नहीं अभी तो नहीं बताया, लेकिन बोले दो तीन महीने में। एक्साइटेड तो आप बहुत होंगे? अरे हम बहुत एक्साइटेड है यार, हम तो तीन महीना बोले थे कि एक दिन, हम सोच रहे अभी एक दिन गया तो अभी इतना दिन और बचा हुआ है, तो आएगा पिक्चर, आप लोग भी देखेंगे, अच्छी पिक्चर होगी। ठीक है, बहुत मेहनत किया, थैंक यू सो मच।